अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इंतज़ार मुझे किसी और का था, लेकिन आप लोग आगे बहुत अच्छा किया। वैसे इस वक्त आप पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। आज न्यू ईयर ईव है, नए साल का आगाज़ होने वाला है। जो पिछला साल है वो चंद कुछ मिनट रह गए हैं, चंद आप घंटे ही समझते हैं उनको। जब पूरा साल गुजर गया पता नहीं चला, तो ये मिनट तो ऐसे ऐसे भागेंगे। तो जो गुजर चुका है कुछ उस पर हम बात कर लेते हैं, और जो आने वाला साल है जिसका मुझे इंतज़ार है आपकी तरह से कि वो भी आ जाए। तो हमने सोचा कि ज़रा फेस टू फेस बात होनी चाहिए, और हम बुला लेते हैं 2024 को आज के प्रोग्राम में। लेकिन पता नहीं क्यों आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, और वो अभी तक क्यों नहीं पहुँचा मुझे समझ नहीं आ रही है। पूरे 12 बजे ना कहीं आए, नहीं भाई फिर तो बहुत देर हो जाएगी, इतना टाइम नहीं देना हमने उसको। आए अपना सारा काम शाम संभालें, पूरे 365 दिन तक हमने उसको, उसने हमें बर्दाश्त करना है। क्या प्लान है उसकी, क्या स्ट्रैटेजी है, वो सब हमने उससे पूछना है कि क्या प्लान करके आ रहा है भाई, क्या तुमने सोचा है। ये साल पहले से अच्छा होना चाहिए, ये साल बहुत खुशियों वाला होना चाहिए। कुछ शिकायतें भी उससे हम करेंगे, कुछ उसको सामने रखी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। मतलब होमवर्क भी किया उसने कि नहीं किया है, पहले ही टेस्ट में वो फेल हो चुका है। इतनी देर हो गई अभी तक पहुँचे नहीं है साहब, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लास तो उनकी बनती है, लेकिन ये कि पहली गलती है माफ़ कर देते हैं। तो थोड़ा सा अंकल जी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? थक गया हूँ, मैं हूँ 12 महीने 48 हफ्ते 365 दिन, ना जाने कितने घंटे, ना जाने कितने मिनट्स और ना जाने कितने सेकंड्स। बहुत तवील सफ़र है। मैं हूँ 2023 यानी 2023। अच्छा, सब्र सब्र, ज़रा मैं बैठ जाऊँ फिर आपकी बातें सुनूंगी, सारे दुखड़े मैं सुनती हूँ आपसे। हाँ जी, अब बताइए यहाँ कैसे आना हुआ आपका? लाया गया हूँ, आया नहीं हूँ, चल चल के आया हूँ और फिर यहाँ ला के बिठा दिया गया हूँ, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि बस आपने जो करना था कर लिया, आपने जो दिखाना था दिखा लिया, अब तो थक गया हूँ, बस थक गया हूँ। मतलब आप 2023 है, गुजरा हुआ साल, इसका टाइम ख़त्म होने वाला है। काबू आ गए मेरे, मैं इंतज़ार में थी कि जाने से पहले इनको पकड़ूं, इनसे पूछूं कि किया क्या है आपने इन 365 दिनों में, बताएं। सफ़र सफ़र सफ़र, तवील सफ़र, और लाखों दुख अपने सीने पे सहे हैं, अपने सर पे बोझ उठाया है, अपनी कमर टेढ़ी करवा ली है, बाजू मुड़ गया है, और ना जाने गिटे गोटे रह गए हैं। गिटे गोटे समझती हैं आप? नहीं। हाय 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 हाय, समझा के जाएंगे मुझे आप ये। गिटे कहते हैं एंकल्स को, टखनों ओ, को। अच्छा। और गोड़े होते हैं जो गाड़ियों के होते हैं, लेकिन ये गाड़ी वाले नहीं है, ये साल के गोड़े हैं जिनके जरिए वो चलता है, अपना सफर तय करता है, और फिर अपनी मंजिल पे पहुंच के बैटन, लाइट बैटन, मशल किसी और के हवाले कर देता है। तो आपके पास टाइम कम रह गया? हाँ शायद शायद आप ठीक कह रही। लेकिन आपका ये हुलिया किसने बनाया? आपका बाजू मुड़ा हुआ है, कमर झुकी है, चेहरे पे झुरियाँ। क्या बताऊँ क्या बताऊँ क्या बताऊँ, ये जो हमारे अपने लोग हैं, ये जो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, ये जो हमारे अपने मेहनत कश हैं, जो अपने मजदूर हैं, इनके लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं मेरे। ये जो बाजू थोड़ा सा आप देख रही है ना, ये मैंने सारा साल 12 महीने IMF के आगे यूं रखा है, कभी यूं रखा है तो कभी यूं रखा है तो कभी यूं रखा है, और मांगता रहा हूँ कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क, कभी चौथे मुल्क, क्योंकि वो ख़जाने जो हमारे अपने मुल्क में, हमारी अपनी ज़मीन में, हमारे अपने दरियाओं में, हमारे अपने पहाड़ों में छुपे हुए हैं, वो न जाने हम क्यों नहीं निकाल रहे, क्यों हम उनको दबा के बैठे हुए हैं, क्यों हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मेरे बाजू का ये हाल इसी वजह से हुआ है।
और कमर, आपका नाम क्या है? रिदा इमरान। रिदा, मैं 2023 अपनी कमर झुका बैठा हूँ। इस पे कर्जों का इतना बोझ है कि मुझे कहा जाता रहा कि आने वाली कई नस्लें इस बोझ को उतारने में लगा देंगी, अपनी जवानी लगा देंगी, अपना लड़कपन लगा देंगी, अपना बुढ़ापा लगा देंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसे लोग आ रहे हैं जो अब अच्छा काम करेंगे, शायद ये कमर अब सीधी हो जाए और हम दुनिया में बहुत सीना तान के चलें, इंशाल्लाह सीना तान के खड़े हों, सर ऊंचा करके खड़े हों, बुलंगो बांग बातें कर सकें, अपने बारे में बता सकें कि हम एक अच्छी कौम है, हम एक मेहनत कश कौम है। मैंने पूछना था आपसे चेहरे की झुर्रियों के बारे में, इलाज नहीं बता रही थी क्योंकि मैं टोटके भी बताती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हर लाइन के पीछे कोई कहानी होगी और वो भी दर्दनाक सी। ये झुर्रियाँ नहीं हैं, ये झुर्रियाँ नहीं हैं, ये वो लाइनें हैं, ये वो इबारत है, ये वो इंग्लिश है, ये वो उर्दू है जो हालात ने मेरे चेहरे पे लिख दी है, जो मेरी आने वाली कौम को बताएगी कि मैंने किस तरीके से ये साल गुजारा है, किस तरीके से मेरे सीने पे मोंग दली गई है, किस तरीके से मुझे पछाड़ा गया है। लेकिन रिदा, मैं मायूस नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ लेकिन फिर भी मायूस नहीं हूँ, क्योंकि आने वाला कल, आने वाला वक्त आपका है। मैं नहीं भी होऊंगा, आप लोग ये देखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे और यहाँ से ये जो पस्ती है, ये जो गुर्बत है, ये जो भूख है, ये जो कर्जे हैं, ये सब ख़त्म होंगे। अच्छा, मेरे पास तो 2023 आपके लिए एक बहुत लंबी लिस्ट थी जो मैंने होमवर्क किया था, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, महंगाई, गुर्बत, अफलास, कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ, फिर उम्मीद किस बात की? देखें, आपको जैसे बचपन से लेके जवानी तक एक सफ़र तय करना होता है, आपको जैसे केजी से लेके यूनिवर्सिटी तक एक सफ़र तय करना होता है, ये उसी सफ़र का एक संगे मील था। मैंने अपने सीने पे, अपने दामन में बहुत सारे गम, बहुत सारे दुख इसीलिए बर्दाश्त किए हैं कि ये गर्मी, ये सर्दी, ये बारिश, ये सैलाब चले जाएं और वो जो दुख लिखे हुए हैं वो कम हो जाएं, आने वाला वक्त रोशन हो। रिदा नाम बताया है ना? जी रिदा। अच्छा, तो उम्मीद की जा सकती है? जी, उम्मीद तो अब आप पे मुनसर है। हम तो ये ख्वाब लेके जा रहे हैं कि हमारे लोग, हमारी कौम, हमारी नई नस्ल किस तरीके से इस उम्मीद को जिंदा रखेगी। अच्छा, एक सेकंड, मैं 2024 से पता कर लूँ, आना तो उसने था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया वो। आएगा, थोड़ा इंतज़ार करो। हेलो, फोन भी बंद जा रहा है उसका, कोई नहीं। हर चीज़ रिदा वक्त पे आती है जिसकी हम कदर नहीं करते। लेकिन हमारा वक्त कब आएगा? आपका वक्त आएगा, उस वक्त आएगा जब आप वक्त को सिर्फ घड़ियों पे नहीं देखेंगे, आसमान पे देखेंगे, उफक पे देखेंगे, ज़मीन पे देखेंगे, दूसरे मुल्कों की तरफ देखेंगे जो तरक्की कर चुके हैं, जिन्होंने वक्त की कदर की है, जिन्होंने अपने लोगों को सिखाया है, और लोगों ने, उनके अपने लोगों ने, उनकी अपनी आवाम ने सिर्फ तनकीद नहीं की, उन्होंने ये समझा है कि उन्होंने करना क्या है। हमने इधर भी देखा है, हमने उधर भी देखा है, इधर वाले को भी गलत कहा है, उधर वाले को भी गलत कहा है, हमने इसके अंदर नहीं देखा। हम जब इसके अंदर देख के अपना आप ठीक करेंगे, हम गाड़ी चलाने को सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करके एक्सीलेटर दे दे रहे, नहीं, हमें रूल, कवानी, कवायद व ज़वाबत, उसके हक का ख्याल, सामने वाली लाइट का ख्याल,
पीछे से आने वाली गाड़ी का ख्याल, ये सब तक ख्यालात, सब तक जब तक हम नहीं सोचेंगे नहीं समझेंगे तो गाड़ी कभी इधर लगेगी कभी उधर लगेगी, कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा कभी महंगा हो जाएगा और हम यूँ ही रोना रोते रहेंगे। जी रिदा, जब 2022 से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ अर्सा पहले तो उसने भी ये गिले शिकवे किए थे और बड़ी उम्मीद थी कि 2023 जब आप आए थे कि आपको तब्दीली वाले आएंगे, कुछ माशरे में बेहतरी हो जाएगी, कुछ महंगाई, मैं तो आम इंसान की बात करूँगी ना, टमाटर सस्ता हो जाएगा, घी सस्ता हो जाएगा, आपने तो मायूस किया हमें। देखिए रिदा, हमारी कौम को ये पता होना चाहिए कि हम टमाटरों के लिए ना रोएं, हम प्याज के लिए ना रोएं, हम इन चीज़ों के लिए सारा साल रो रो के अपना वक्त गुजारा ना करें, जो मिले उसे एंजॉय करें, जो ना मिले उसके बगैर गुजारा करें और आने वाले वक्त के लिए प्लान करें। एक ईंट भी अगर घर की दीवार से निकाल दी जाए तो ठंडी हवाओं से या गर्मी की तपश से आने से कोई नहीं रोक सकता। हमें चाहिए हम अपने आप को समझें, अपने किरदार को समझें। रिदा, हम जब ये सोचते हैं कि ओए होए होए टमाटर महंगे हो गए, हम पूरा दिन पूरा महीना इसी रोने में गुजार देते हैं कि टमाटर महंगे हो गए, हांडी को तड़का कैसे लगाएंगे, लोग ये सोच रहे हैं कि हम चांद पे कैसे जाएंगे, हम सितारों को किस तरीके से सर करेंगे, हम नए नए वाह कैसे खोलेंगे, नए दर हमारे लिए कैसे खुलेंगे, हम अपनी नस्ल को क्या पढ़ाएंगे, क्या उनका जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो किस तरीके से आगे जाए। हमें ये सोचना है, हमें ये प्लान करना है, हमें टमाटरों की कीमत से। अच्छा चले, बात काट रही मैं आपकी, टमाटर महंगे हो गए, दही डाल के मैंने खाना बना लिया, लोड शेडिंग का क्या करूं, 2007 से ही मुसीबत पड़ी है हमारे गले। देखिए, हमें ये सोचना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि बिजली एक बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है, ठीक है, इससे कोई, इसके लिए हमें चाहिए कि हम, अल्लाह ताला ने हमें सूरज की रोशनी दी है और उसकी जो एनर्जी है उसको महफूज करके हम उसको क्या कहते हैं, जो सोलर पैनल लगाएं, हम सोलर एनर्जी को अपनाएं और हम अपने घर रोशन रखें। जब हम एक चीज़ की अहमियत इतनी उजागर कर देते हैं, इतनी ज़्यादा कर देते हैं, जैसे आपने थोड़ी देर बाद एक सब्जी की बात की थी, क्या था वो, टमाटर की, टमाटरों से निकलें, अपने आप को महरूमियों से निकालें, नए दर खोलें अपने लिए, अपनी नई नस्ल को कहें शिकायत करना छोड़ दें, सफ़र करें, सफ़र कौन सा, जो तय किया जाता है, ठीक है, उर्दू वाला, बिल्कुल बिल्कुल जी, अंग्रेजी वाला तो बहुत कर लिया हमने जी, बहुत कर लिया। मतलब आपका कहना ये है कि हम सेल्फ पिटी में पड़े हुए हैं, रोना पिटना, रास्ते नए ना ढूंढना, इतनी बड़ी नेमत सूरज की शक्ल में हमारे पास है, हमें उसका भी नहीं पता और हम लोड शेडिंग को रो रहे हैं, तो फिर कसूर किसका हुआ, हमारा? हवा, सूरज की रोशनी से भी हम सोलर एनर्जी हासिल कर सकते हैं, हवा से हम अपनी चक्कियां चला सकते हैं, जो हमारे साइले समंदर पे 24 घंटे वो हवाएं चलती हैं, जो लहरों को ऊंचा नीचा करती हैं, तो क्या वो आपकी चक्कियां नहीं चला सकती और उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। हमें सिर्फ मायूसी से निकलना है, हमें 2023 को या 2022 को या 2021 को इल्ज़ाम नहीं देना, हमने इल्ज़ाम जब भी देना है वो उस वक्त को देना है जो हमने ज़ाया किया है। जी रिदा, इसका मतलब है कसूर तो हमारा अपना हो गया। बिल्कुल, ये समझने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात ये है रिदा कि हम जो जाने वाले हैं, हमें अपनी नई नस्ल को एतमाद देना है, उनकी सलाहियतों का, उनके बारे में उनको बताना है कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सलाहियतें दी हैं, तुम घर से ये सोच के मत निकलो कि वहाँ तो उन्होंने बंदा पहले से रख लिया होगा, वहाँ तो सिफारिश होगी, वहाँ तो अंपायर बेईमान होगा, वहाँ तो रास्ते में खड़े होंगे। नहीं, हमने अपना जब घर से निकलना है दी बेस्ट देने के लिए निकलना है कि आज मुझे मौका मिला है, भले मुझे कोई सिलेक्ट करे या ना करे, आज मैंने अपना बेस्ट देना है, आज मैंने अपना बताना है कि मेरे अंदर अल्लाह ने कितनी एनर्जी दी है और कितनी सलाहियतें दी हैं। देखें अरिदा, मैं अभी कुछ महीने पहले एक अखबार में पढ़ रहा था कि एक यूनिवर्सिटी की लड़की ने किसी लड़के के इश्क में आके खुदकुशी कर ली। अब आप देखें कि एक लड़की जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती है वो कितनी मैच्योर हो जाती है, कितनी क्लासें पढ़ के आती है, कितने माहौल से गुजर के आती है, कितना वो पैदल सफ़र करती है, कितनी वो गाड़ियां बदलती है। तो
अब आके अगर उसने खुदकुशी कर लिया है, अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ज़ाया कर दिया है, तो इसका मतलब है कि उसकी किसी ने तरबियत नहीं की, नहीं की, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसको सही। किसी ने ये बताया नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, तुम्हें अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी हैं और अल्लाह की दुनिया बड़ी वसी है। अल्लाह ने यहाँ पे अपनी मखलूक में ऐसे ऐसे खूबसूरत चेहरे बना रखे हैं, ऐसे ऐसे ज़हन लोग पैदा कर रखे हैं, ऐसे ऐसे बासलाहियत लोग पैदा कर रखे हैं, अपने आप को किसी एक टमाटर पे महदूद मत करें। हाँ ये ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बात हमें मेंटोरिंग करनी चाहिए, मेंटोरिंग करनी आप चाहिए। जैसे लोगों को जिनके हाथ में माइक है, जिनके हाथ में कलम है, जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है और जिनको ऐसा वक्त दिया है कि वो लोगों को बता सकते हैं, साल को कभी इल्ज़ाम ना दें। अच्छा एक बात सुनें, ठीक है आपकी बात मानी, मायूस नहीं होना चाहिए, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, लेकिन आपको पता है कि 7.5 लाख यूथ जो है वो ब्रेन ड्रेन हुआ है, हम लोग छोड़ के गई है इस आपके साल में, आपके वक्त में। फिर देखें अपना रिदा, हम फिर वही एक ऐसे चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं जो हमारे बस में नहीं होती। अगर वो गए हैं तो ये मेरी बात आप लिख लें, कहीं लिख लें आप कि उनके दिल से, उनके दिमाग से अपने इस वतन की, अपने इस मिट्टी की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, वो जाएंगे, वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ कमाएंगे और वापस आएंगे, और वापस अगर ना भी आए तो वो कुछ ना कुछ अपने मुल्क को लौटाएंगे। मैंने, चूंकि मैं एक किसी एक मुल्क का साल नहीं था, मैं पूरी दुनिया का साल था, मैंने पूरी दुनिया में वक्त गुजारा है, मैंने सारे लोगों को देखा है, और मैंने ये देखा है जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जब वो बाहर होते हैं तो अपने पाकिस्तान की मिट्टी की कशिश ज़्यादा उनको खींचती है, ज़्यादा फिक्र करते हैं, ज़रा सी वो कोई ऐसी खबर या ऐसी न्यूज़ देखते हैं जो तकलीफ़ दे होती तो बिल्कुल परमुजदा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम ये तकलीफ दे अमर है कि आपके लगाए हुए पौधे, आपके लगाए हुए खुशबूदार फूल किसी और मुल्क में जाके अपनी खुशबू दें, लेकिन हमें मायूस नहीं होना, हमें इस पर अपनी फूरी नहीं बिछा लेनी, हमें इस पर अपना रोना धोना नहीं शुरू कर देना कि हाय 7 लाख लोग चले गए। अल्लाह ने आपको 25 करोड़ की आबादी दे रखी है जिसमें 60 से 68% यूथ है, तो उस यूथ जो आपके हाथ में है पहले उसको तो आप ठीक करें, जाने वाले का क्यों गम करें। तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देख आती हूँ कि 2024 क्यों नहीं पहुँचा। बातें इनकी सही हैं लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए ना, और चेक तो करूँ कि वो कहाँ है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा 2023 जब तक हम नहीं कहेंगे। जनाब वेलकम बैक टू कल आज और कल, मैं हुरिदा इमरान और हम बात करें 2023 से। जनवरी में जब इनकी आमद हुई थी तो माशाल्लाह वेरी एनर्जेटिक, जवान, पुर उम्मीद, लेकिन अब जब इनको देखा मैंने इस साल के एंड में तब जा रहे थे तो बहुत मुझे मायूसी भी हुई, मतलब चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, कमर झुकी है, हाथ जो उनका मुड़ गया था वो वजह उन्होंने बता दी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना कुछ गुजरने के बावजूद ये पुरउम्मीद है। अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्यों? आप पे तो बहुत कुछ गुजरी है। हाँ वो कहते हैं, लोग कहते हैं जिंदगी जिसको, ये किसी को बताइएगा ना, लोग कहते हैं जिंदगी जिसको छोड़ आई हुआ आशियान में, मेरे होने से या न होने से फर्क आता नहीं जमाने में, मैंने एक आशियां बनाया था अभी शायद वो जल रहा होगा, तिनके सब खाक हो चुके होंगे,
एक धुआं सा निकल रहा होगा। रिदा नाम बताया ना जी, अभी तक यही नाम। रिदा, मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन जब से आपने बताया है कि ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान होगी, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मैं दिल के फफोले भी जरूर कह दे कुछ कहना चाहता हूँ, वो मैं कहूँ कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। बताया। देखे, कितने सालों से बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, गरीब की कुठिया बह जाती है, उसकी बकरी बह जाती है, उसकी गाय बह जाती है, उसकी वो आटे की पेटी जिसमें वो 10 या 15 किलो रख के आटा समझता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, वो आटा ना जाने कहाँ बह जाता है, चीनी गुड़ शक्कर घुल मिल के पानी के नज़र हो जाती है। तो हमने उसका कोई ख्याल नहीं किया कि हम अपने डैम बना लें। बताइएगा नहीं, हमें डैम बनाने चाहिए। मगर कब बनेंगे डैम ये आप लोगों ने सोचना है। मैं तो अपना वक्त गुजार के जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें बता दूँ कि जो आपके करने की हैं। आपने डैम बनाने हैं, उन लोगों के घरों को पक्का करना है, ऊंचाई पे बनाना है, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पानी का रेला आए और सब कुछ बहा ले जाए और फिर हम यहाँ यूँ बैठे उसको कभी पानी को देखें, कभी उस टूटी हुई कुटिया को देखें, कभी ऊपर देखें कि कोई हेलीकॉप्टर आएगा जो हमारे लिए खुराक फेंकेगा, राशन फेंकेगा। और फिर ये हमें करना है, एक तो ये चीज़ है। लेकिन सैलाब के नाम पे जो लोग इतना पैसा ले लेते हैं, यही तो ख़त्म करना है, यही ख़त्म करना है। एक और आपको बात बताऊँ, आप इमदाद के नाम पे जो अरबों रुपए लोगों में तकसीम करते हैं, ये तुम 1200 रुपए लो, तुम 3000 लो, तुम 1500, ये ख़त्म कर दें। तो फिर गुजारा कैसे होगा? होए, एक दफ़ा जिसको भूख से मैं अब कहना नहीं चाहता मरना है, उसे मर जाने दें, फैक्ट्रियां लगाएं। 450 अरब रुपया लोगों में खैरात के नाम पे, गुरबत पे नाम पे तकसीम मत करें। 450 अरब से 450 फैक्ट्रियां लग सकती हैं, 450 कुछ ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जो कई ख़ानदानों को रोज़गार दे सकता है। हम बांट देते हैं और फिर बैठ जाते हैं और फिर 450 अरब मांगना शुरू कर देते हैं कि इनके पेट पालें, इनको खुराक दें, इनको आटा दें, ये ख़त्म करें। आप अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपका कहने का मकसद ये है कि इन मतलब आवाम है उनको पैरों पे खड़ा कर दें। ये बात, यही मैं पहले दिन से बात लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रिदा आप लगता है पढ़ी लिखी हैं। आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है? अब बस वो छोड़ देना, काम की बातें हो रही हैं। चले ठीक है, लेकिन मैं ये एक और बात करना चाहता हूँ रिदा। बताएं कि हम जब बच्चा हमारा मैट्रिक कर लेता है तो हम 8-10 कॉलेजेस में उसकी वो जो क्या होता है प्रोस्पेक्टिस होती हाँ है जी, वो लेने की कोशिश करते हैं। कहीं 6000 देते हैं, कहीं 8000 देते हैं, कहीं 10000 देते हैं कि कहीं ना कहीं उसको दाखिला मिल जाए। और फिर जाके वहाँ जो तालीम हासिल करते हैं वो तालीम ऐसी नहीं होती कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। हमें स्किल सीखनी चाहिए, हमें आईटी की चीज़ें सीखनी चाहिए, हमें अब दुनिया जिस तरफ जा रही है वो चीज़ें सीखनी चाहिए। मैं सारी दुनिया में ये देखा है कि अब उसका जब CV आता है तो वो ये नहीं देखते कि इसके अब्बा जी का क्या नाम है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके पास डिग्रियां कौन कौन सी हैं। वो उसको कहते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमने बेचना है, ये हमने करना है, बताओ इसमें तुम क्या कर सकते हो। वो फिर बताता है अपनी स्किल, वो फिर बताता है अपनी काबिलियत कि मैं ये कर सकता हूँ, यूँ कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। और यूँ वो लोग तरक्की कर रहे हैं। हमें अपनी यूथ को रिदा स्किल सिखानी है, स्किल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में, लेकिन किस काम का? देखिए, हमारे यहाँ सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी पता है आपको? नहीं। सोशियोलॉजी ये होता है कि तनख्वाह हमारी होती है 10000 और हम 10000 के ले लेते हैं शूज़, और 15000 का ले लेते हैं सूट,
और 15,000 हम अपने बालों की स्टिकिंग कराने का लगा देते हैं। या मुझे कह रहे हैं? नहीं नहीं ना, नहीं 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 नहीं, ये मैं आम बात कर रहा हूँ, उसको कहते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी आपने चूंकि सोशियोलॉजी में किया है, वो डिफरेंट चीज़ है। वो डिफरेंट चीज़ है, मैं सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। फिर एक और काम हम करते हैं, वो हम पता है वो भला क्या करते हैं, क्या हम उर्दू में कर लेते हैं। उर्दू हमारी कौमी जबान है, ये इसमें मास्टर किए बगैर हमें उर्दू आनी चाहिए। उर्दू इज सच अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, मतलब इट्स सो डिफिकल्ट टू स्पीक इन उर्दू, और आप बात करें कि उर्दू में बोलना चाहिए, उर्दू में सोचना चाहिए, मुश्किल है भाई बहुत ये। रिदा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूँ कि उर्दू में मास्टर्स करने की बजाय आपको उर्दू पहले से आनी चाहिए, ये आपकी नेशनल लैंग्वेज है, ये आपकी कौमी जबान है। एक सेकेंड, ये आपकी आंखों में आंसू क्यों है और ये चेहरे, ये निशान क्या है, ये भी और ये भी, किसी ने मारा है आपको? आप लोगों ने मारा है। मैंने? आप लोगों ने मारा है, आप दुनिया वालों ने मारा है, आप लोग बहुत जालिम हैं। आपको पता नहीं कि किस तरीके से आप गजा में बमबारी कर रहे हैं, कैसे आप अस्पतालों को, स्कूलों को और रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। अच्छा, रोए तो नहीं? नहीं, मैं रो नहीं रहा, मुझे रोना नहीं आता, मुझे हंसना नहीं आता, मैं तो सिर्फ बात बयान कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बात सुने, अच्छा हौसला रखें, ज़रा पानी मंगाती हूँ उनके लिए मैं। अच्छा, रोई नहीं, हम सब आपके साथ हैं, पूरी बात आपकी सुनेंगे, दिल की बात आप करें, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते, मैं इनके लिए ज़रा पानी ले आऊँ ना, तबीयत ख़राब हो रही है इनकी, आप जल्दी से जाएँ, जल्दी से वापस आएँ। This is so difficult. Like उर्दू में बोलना, लाइक वन सेंटेंस इज डिफिकल्ट, और आप कह रहे हैं बात करूँ, बहुत मुश्किल है भाई 2023, मुश्किल। देखिए, मैं और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू आपको पहले से आनी चाहिए, यानी जब आपका ब्रॉटअप हो रहा होता है तो आपको साथ साथ उर्दू की तरबियत होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किताब की जामा कुतुब है, बकरे की मुअन्नस बकरी है, और गोडे और गिट्टे, हाँ, वो पंजाबी होगी, लेकिन गोडे और गिट्टे तो टखना और घुटना हो गया ना। सही सही सही, घुटना हो गया, थोड़ी सी इनके आपस में जो पंजाबी और उर्दू है ना, थोड़ी सी कज़न है। वैसे भी आपकी उर्दू जुबान को लश्करी जुबान कहते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें थोड़े से इंग्लिश के लफ्ज, थोड़े से तुर्की के लफ्ज, थोड़े से अरबी के लफ्ज, थोड़े से पंजाबी के लफ्ज, ये सारे मिल के ये जुबान बनी है। अब तो हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, अंग्रेजी उर्दू मिला के, लेकिन मुझे एक बात बताएं जी। इतना कुछ हो गया पूरी दुनिया में, आपने इतनी कार्रवाइयाँ डाल दी हैं, आपके साथ भी कुछ कम नहीं हुई है, मुझे ये निशान भी नजर आ रहे हैं, ये भी, ये क्या किसी ने मारा है? ये आप हजरत इंसान के दिए हुए दुख हैं, आप लोगों के दिए हुए दुख हैं। ये जो लोग ये समझते हैं कि सारे वसाइल, सारी जमीन, सारा एक कुर्रे अर्ज उन्हीं का होना चाहिए, वो ही सिर्फ तरक्की करे, बाकी कोई भूख से मरता है तो मरे, बाकी किसी को पानी नहीं मिलता तो वो ना मिले, बाकी अगर ये जो हमारा ऐसा मवाद होता है जो आपकी तफन फैलाता है, या आपको आपके इसको पानी को, आपकी हवा को मुतफन करता है, इसको हम ऐसी जगह पे टिकाने ना लगाएं कि ये सारे लोगों की ज़िंदगी जीर्ण करे। लेकिन आप लोग तो निहत्ते लोगों पे, बच्चों पे, औरतों पे और अस्पतालों पे आप तो बमबारी करते हैं, आप घरों से निकलने नहीं देते। आपको पता है गजा में आप लोगों ने क्या किया है, हजरत इंसान ने क्या किया है, और अभी तक वो कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये समझते हैं कि आपका घर सुखी रहे, आपके साथ वाला घर दुखी हो जाए, वहाँ पे भूख हो, नंग हो, छत ना हो, मौसम से बचने के ज़राए ना हो, तो फिर याद रखिए, आप भी कभी सफल नहीं हो सकते, आप भी कभी सुखी नहीं हो सकते, आप भी कभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते, आप भी अपने बच्चों को उन चीज़ों से नहीं बचा सकते जो आप पूरी चीज़ें दूसरों के बच्चों के लिए सोचते। तो ये जो आपकी आँखों में आंसू हैं, जो ये चेहरे पर निशान हैं, ये हमारे दिए हुए दुख हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
मुझे रोना नहीं आता, मुझे हंसना नहीं आता, मुझे सिर्फ वक्त गुजारना आता है। और मैं देखता हूँ कि इस दुनिया को क्या हो गया, इन लोगों को क्या हो गया, कोई अपना अच्छा नहीं समझ रहा, कोई अपना बुरा नहीं समझ रहा। आप देखिए कि एक फटपटी फटपटी समझती है नहीं, अच्छा उसके पीछे से ऐसे धुएं के फवारे निकलते हैं कि जो पीछे आने वाला बच्चा, खातून, लड़का, बूढ़ा, उसके लंग्स में, फेफड़ों में वो धुआं, जहरीला धुआं जाता है। तो अभी आपका एक शहर है जो दुनिया में पोल्यूशन के हिसाब से नंबर वन पे है, लाहौर। वो स्मोग, अब लाहौर कितना खूबसूरत शहर है, कितनी नहर के किनारे किनारे जाएं, इधर भी दरख्त उधर भी दरख्त, अब नहीं रहा। अब वो नहीं रहा, क्यों? आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने ख्याल नहीं किया। आप लोग थोड़ा सा शहर वाले भी इसके जिम्मेदार हैं। आप थोड़ा सा देहातों की तरफ आए, वहाँ अपने घास फूस को लोग आग लगा देते हैं। तो ये सब बातें आपके चेहरे पे झुर्रियों की शक्ल में, बिल्कुल, और ये ब्रूजेस की शक्ल में नजर आ रही है मुझे। तो मैंने थोड़ा सा पफिंग शफिंग की है, मेरा चेहरा तो, पर रो क्यों रहे, आंखों में आंसू क्यों हैं? मैं फिर आपको कैसे मैं बताऊं आपको इस मुल्क के बारे में, इस खित्ते के बारे में बताऊं कि सारी दुनिया के बारे में बताऊं? पाकिस्तान से शुरू करते हैं ना। पाकिस्तान में आपके पास वो अद्वियात नहीं है जो जान बचाने के लिए होती है, अगर है तो इतनी महंगी है कि किसी गरीब के काम नहीं आ सकती, गरीब खरीद नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि आप, मैंने जैसे कि पहले कहा कि आप समझ, आप पे बराबरी नहीं है। आपका मजहब जिस चीज़ की तालीम देता रहा है कि औरतों का एहतराम करें, हम सिर्फ बयानात तक एहतराम करते हैं। हम गांव देहातों में, गांव गोठों में औरत के हकूक नहीं देते, उनको सिर्फ ये समझते हैं कि ये हमारी खिदमत के लिए पैदा हुई है। हालांकि ये ना भी सोचें तब भी वो खिदमत करती है, बच्चे पालती है, खेती बाड़ी में साथ देती है, आपके जो वो पालतू जानवर हैं उनकी रखवाली करती है, आपका ख्याल रखती है। मुझे ऐसा, मुझे, मैंने सोचा था कि 2023 की तबीयत ख़राब हो रही है, उनको दवाई कोई दे दूँ, मैं सर दर्द की दवाई दे दूँ, लेकिन क्या पता वो जाली दवाई हो। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। चाय? मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग दवाइयाँ खाएं, आप लोग पानी पिए, आप लोग वो पानी पिए जिसमें कसाफतें ना हो, जो सेहत के लिए अच्छा हो, जो आपकी प्यास भी बुझाए और आपके लंग्स को, आपके अज़ा को अंदरूनी तौर पे ताज़ा दम कर दे, सेहतमंद कर दे, आपके चेहरे पे ग्लो आए, आपके बालों में ऐसी चीजें ना आए कि आप सारा दिन उससे परेशान रहें। मतलब आप तो एक्सपर्ट हो गए ब्यूटी के भी, हेल्थ के भी, माशी तौर पे भी आपके पास बहुत राय है देने के लिए। आपने बनाया? अच्छा, मैं तो जब पैदा हुआ था मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तो वक्त गुजारने आया था, लेकिन आपने मुझे इतना कुछ दिखाया, इतना कुछ बताया और ऐसे ऐसे मनाजर दिखाए, तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा भी इस दुनिया में होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ये यूं नहीं क्यों नहीं कर लेते, अगर यूं कर लें या इस चीज़ को उठा के इधर कर लें तो इनका अपना फ़ायदा है। लेकिन आप लोगों को अपने फ़ायदे के बारे में ना सोच है, ना फिक्र है, और ना ही कुछ और चीज़ आपके जहन में आती है। अच्छा, मुझे इतना गिल्टी फील ना कराएं। अच्छा, उदास तो नहीं हुए ना? अच्छा, कुछ खाने के लिए? अच्छा देखिए, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं पानी लेकर आती हूँ, थोड़ा सा इनको ब्रेक देते हैं, देखते हैं बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, फिर इनसे और बहुत सी बातें करेंगे, कुछ दिल के हाल जानेंगे। हेलो जी, जी बात कर रही हूँ, किधर है? मतलब नहीं, हाँ ये टाइम देखिए क्या हो रहा है। मैं नहीं, गेस्ट तो हमारे पास है, लेकिन मुझे तो इंतज़ार, क्या मतलब है, कब कब देखा? नहीं तो जो बात करनी थी वो कर ली, मतलब सच बोले जो भी बोले, तो आना तो चाहिए था ना अंदर भी। कमिटमेंट भी कोई चीज़ होती है, मतलब हम तैयार होके बैठे हुए हैं, मतलब फायर वर्क भी होना है और खाना शाना भी सब कुछ है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ये हेलो, ये क्या तरीका है?
बताइए किसकी कॉल थी ये? कौन था मुझे बताइए, क्यों परेशान हो गई आप? 2024। ओह माय गॉड, वो क्यों परेशान है? वो तो अभी यंग होगा, एनर्जेटिक होगा और बड़ी उसमें एनर्जी होगी, फिर क्यों परेशान है? 2024 ने कहा कि मैं आया था बाहर, आपकी मैंने बातें, आपकी बातें सुनी। मैं तो सच्ची बातें करूंगा। तो बस परेशान हो गया वो, कह रहे मैं नहीं आ रहा। जो हाल आपका हो चुका है और हमने जो किया है, वो कह रहे मैं नहीं आऊंगा, मैं ये रिस्क ले ही नहीं सकता। आप रिता, आपको पता है कि जो कहानी होती है, ये जो गुफ्तगू होती है, ये जो लतीफ़े की बेवकूफ़ियाँ होती हैं, ये किस लिए होती हैं? किस लिए? लतीफ़े की बेवकूफ़ी इसलिए होती है कि आप सुन के सिर्फ उसे हंसे ना, उस बेवकूफ़ी को दोहराए ना अपनी ज़िंदगी में। कहानी इसलिए होती है कि उसका अंजाम देख के आप खुद भी सीखें, अपनी नस्लों को भी सिखाएं, और हमारी गुफ्तगू सुन के आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको उन रास्तों पे नहीं चलना चाहिए जिस पे मैं चल के या आपने मुझे चला के बेबस कर दिया है। उस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए जिस पे हमारी आने वाली नस्लें, हमारे नए लोग एंजॉय करें, इस मुल्क को फलता फूलता देखें, इस कुर्रे अर्ज को ऐसी चीज़ों से बचाएं जो हमारे लिए पोल्यूशन का बायस बने, दरख्त लगाएं और अपने माहौल को आलूदा मत करें। भाई वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो 2024 नहीं आ रहा, नया साल नहीं आ रहा। आएगा, इसलिए आएगा कि उसके पास और ऑप्शन ही नहीं है, वो आएगा। अच्छा ऐसा करते हैं ना, कोई पॉजिटिव बात करते हैं, उसको उम्मीद दिलाते हैं देखने वालों को, कोई अच्छी बात करते हैं कि वो पूरी उम्मीद होकर आ जाए। ये बात असल में जो 2024 है या जाने वाला जो 2023 है, ये कोई जमाल, सुल्तान, इकबाल, सलीम, कलीम नहीं है। ये आप लोगों का वक्त है जिसको आप बिताते हैं, जिसको आप गुजारते हैं, जिसके बारे में आप फैसले करते हैं, जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि हमने इसको बहुत खुशगवार बनाना है अपने लिए, अपने लोगों के लिए। इसलिए 2024 आएगा, ज़रूर आएगा। आपने उसको अच्छा बनाना है, उसमें खुशियाँ बखेरनी है, और खुशियाँ खाली पटाखों का नाम नहीं है, गाने बजाने का नाम नहीं है। खुशियाँ ये हैं कि आपकी सेहत के मसाइल हल हों, तालीम के मसाइल हल हों, खाने पीने की चीज़ें वाफर मकदार में हों, लेकिन ये नहीं कि आपने खानी एक चपाती है और 10 चपातियाँ सामने रख के बैठ जाए। आपने खाना एक बोटी है और आप पूरा चिकन जो है, पूरा चरगा है, ये पूरी दान बना के सामने रख दें, तो ये भी नाशुक्री भी होती है और ज़िया भी होता है। मतलब कहने का ये है आपका, 2024 भी सुन ले कि नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, फ्यूचर की प्लानिंग करने की जरूरत है, और टेंशन ना ले कि टमाटर महंगा हो गया। टमाटर तो महंगे भी होंगे, कभी सस्ते भी होंगे, कभी पड़े पड़े खराब भी होंगे। तो एक इस टमाटर को पकड़ के अपनी जिंदगी को अजीरन न बनाए। तो अब आप तो मायूस नहीं है ना, उम्मीद तो है ना? मैं उम्मीद आपने कायम करनी है, यकीन आपने कायम करना है, रास्ते आपने बनाने हैं। अगले साल जो मेरा भाई आ रहा है, वो भी इसी तरह बैठ के ऐसी बातें ना करे जैसी मैंने बातें की। वो खुश हो, एनर्जेटिक हो और कहे मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया है आप लोगों की वजह। अच्छा ऐसा करें ना कि 2024 प्रोग्राम तो हमारा देखेगा जरूर, ये अभी भी कहीं क्या पता सुन के खड़ा हो, बातें सुन रहा हो हमारी, उसके पास और ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ अच्छी सी बात उसको भी कह दे कि आ जा भाई। आएगा, मैंने आपको कहा कि आएगा, लेकिन उम्मीद आप लोगों ने दिलानी है। ठीक हो गया। और यकीन आप लोगों ने दिलाना है, अपने ऊपर एतमाद आप लोगों ने करना है। आपका अपने ऊपर एतमाद दरअसल 2024 के ऊपर एतमाद होगा। ये सब आपके हाथ में है। ठीक है जी, तो हमने 2023 में ये सीखा कि ना उम्मीद नहीं होना। अगर सिस्टम को बदलना है तो अपने किरबान में सबसे पहले झांकें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट को, अपने मुल्क की मईशत के लिए काम करना चाहते हैं, अपने आसपास के माहौल को मुस्बत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद में मुस्बत तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। सही कह रही हूँ मैं? बहुत अच्छी बात, आपका पैगाम पहुँच चुका है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अब आपने भी मायूस नहीं होना, जाहिर बात है आप क्यों होंगे, 2024 जो आने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तमाम गिले शिकवे दूर हो गए, खत्म हो गए। एक नारा लगाएंगे जरूर इस खेते के लिए। जरूर, वैसे तो मैंने अभी काफी जगह से और भी होके आना है। और प्रकाश में जाना है आपने? इसलिए इस खेते के लिए नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।